हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आज की रेसिपी है बैम्बिनो का वर्मिसेली पुलाव। ये 10 रुपये का पैकेट है और 10 मिनट समय में ये बेहतरीन ब्रेकफास्ट बन सकता है। इसे 2 बच्चों या 1 अडल्ट का पेट भरा जा सकता है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो घी, बटर या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून हमने सरसों दाना लिया है, आप ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 हरी मिर्च और 2 लहसुन की कलियों का मैंने इस्तेमाल किया है। साथ ही 1 मीडियम साइज प्याज को आमलेट कट मैंने डाला है और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेना है। अब यहाँ पर हमने करी पत्ता का इस्तेमाल किया है। अगर आप मुगलई टेस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर लौंग, इलायची और दालचीनी का बघार दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिली जुली सब्जियों का इस्तेमाल होगा तो उसे काट कर तैयार कर लें। और थोड़े से मसाले का इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ पर इंडियन मसाले यानी धनिया, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला इस्तेमाल किया है। सभी 1/4 टी स्पून इस्तेमाल करना है तो उसे भी निकाल कर रेडी कर लेना है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल लेना है और थोड़ी देर तक इसे पकाकर सॉफ्ट कर लेना है। 2-4 चम्मच पानी भी डाल लेना है ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। तो अब यहाँ पर हमने मसाले का इस्तेमाल किया है। 1/2 मिनट इसे भून लेना है और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे नरम होने के लिए 2-3 मिनट तक वेट करना है। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है और जिस दिन कुछ बनाने का मन ना करे उस दिन ये एक्सीलेंट ब्रेकफास्ट बन सकता है। लंच बॉक्स में ले जाया जा सकता है। साथ ही डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें ना तो मैदा इस्तेमाल हुआ है और ना ही आलू का इस्तेमाल किया गया है। वर्मिसेली भी सूजी का बना हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि सब्जी भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम डालेंगे बॉयल किया हुआ वर्मिसेली। आप चाहें तो पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप इसे तैयार कर लें। मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। यहाँ पर बग़ैर किसी ऑयल के, बग़ैर नमक के वर्मिसेली को उबाला गया है और इस तरह से उबाला हुआ जो वर्मिसेली होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो चाहे तो आप पैकेट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें। ज़्यादा इसे नहीं बनाना है और आप देख सकते हैं ये बहुत खिला खिला सा रेडी हुआ है। और इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए आप ऊपर से बटर की 1 क्यूब डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप देख सकते हैं इसके दानों से ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना एक्सेलेंट तैयार हुआ है। तो ये 1 प्याला भरकर है और देखिए बच्चों ने चट कर लिया है। बिल्कुल खिले खिले से इसके दाने हैं, अंदर तक कहीं पर भी मॉइस्चर नहीं है। तो आप भी इसे बनाएं और जब आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आसान है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ रेसिपी को शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।